हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा, हमारी टीम अड्डा 24x7 पे आप सभी लोग स्वागत करते हैं और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों। तो चलिए गाइस, फटाफट लाइव आ जाइए, बहुत सारे बच्चे लाइव आते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, यूपीएससी एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए हम लोग यहां पर बैच स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने इसमें एडमिशन ले लिया है गाइस। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर यूपीएससी एनफोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर टीम में चंदन सर भी जुड़ चुके हैं। चंदन सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप बताएं? चंदन सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर बिल्कुल सुनाई दे रही है सर आवाज। हाँ, आवाज आ रही है। तो बच्चों को यहाँ पे सर बताएं कैसे तैयारी कराएंगे और क्या और इन्हें अच्छा दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो स्टूडेंट से एक ही बात कहूंगा कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है यूपीएससी ईपीएफओ, और आप देख रहे हैं कि 500 सीट है इसमें, जिसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट पूरी तरह से फुल हो चुकी है और कुछ ही सीट बची है। तो आप जल्द से जल्द इसमें इनरोल कराएं और यूपीएससी ईपीएफओ में कामयाबी का झंडा लहराने के लिए, परचम के लिए तैयार रहे। तो इसी को ध्यान में रख के आपके लिए यूपीएससी ईपीएफओ का एक कोर्स डिजाइन किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ईपीएफओ में 9 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं और इस 9 सब्जेक्ट के अलग अलग अपने सब्जेक्ट में काफी एक्सपर्ट फैकल्टी, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जितेंद्र सर, हमारे जितेंद्र सर पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाएंगे, मैं उसमें अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, तेजस सर वहां इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा बहुत अच्छे से कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आपको केवल जी बिल्कुल सर बोलिए बोलिए जी जी, यहाँ पर कुछ बच्चे जो है क्वेरीज भी पूछ रहे हैं, जैसे शाम यामी कह रहे के इनको ज्वाइन भी करना है, और यहाँ पर कुछ जो है जैसे सतपाल सिंह है और कनिष भी हैं और साथ साथ में शिव भारती भी हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे ईपीएफओ का बैच हम लोग 25 नवंबर से स्टार्ट कर चुके हैं और आज इस बैच का अगला हफ्ता है यानी कि मंडे, और आज से मान के चलिए प्रॉपर वे में आज से बैच स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे पास एक वेल स्टडी प्लान है आप लोगों के लिए, पूरी तरह से तैयारी एक वेल स्ट्रेटेजी के साथ हम आपको यहाँ पे तैयारी कराने जा रहे हैं। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम्स को कहूंगा कि टेक्निकल टीम प्लीज जरा दिखाएं बच्चों को कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। टेक्निकल टीम थोड़ा सा बताएं। हाँ हाँ, ठीक 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 है ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कीजिए गाइस, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शालिनी बेटा, आपको यहाँ पे अड्डा स्टोर पे जाना है। अड्डा स्टोर पे जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो अड्डा स्टोर पर यूपीएससी ईपीएफओ टाइप करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अड्डा स्टोर पे जाकर यूपीएससी ईपीएफओ टाइप करना है। यहाँ पर पूरा बैच का ये फॉर्मेट खुल जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए, आपका एक वेल स्टडी प्लान पूरा दिया गया है कि यहाँ पे कब कैसे आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पे दो टाइमिंग पे आपकी क्लासेस होंगी, एक 12 से 2 और एक शाम को 7 से 9। यानी दो टाइमिंग पे आपकी क्लासेस यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी। अगर हम इसके फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस में आप यहाँ पर वी ऑफर में जाएंगे। वी ऑफर में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अभी फीस 5,299 दिखाई दे रही है, ये डिस्काउंट के बाद आपको मात्र गाइस बहुत ही कम प्राइस में हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं कोड Y242, जैसे मेरा कोड है Y242, अगर आप यहाँ पे कोड यूज करते हैं तो इसके अप्लाई करने पर फीस बहुत ही कम हो जाएगी। देखिए गाइस, यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Y242 आप यहाँ पे कोड यूज करें और कोड को यूज करने के बाद आपको ये बैच बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। दिखाएं कितने मिल रहा है, मात्र ये 1483 यानी 1483 रुपीज में ये बैच आपको मिल जाएगा। गाइस, इतने कम प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है, यकीन मानिए इतने कम प्राइस में पूरा का पूरा सिलेबस आपका ईपीएफओ का कंप्लीट कराया जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्टडी प्लान की बात करें तो यहाँ देखिए 270 घंटे की लगभग आपको क्लासेस होंगे, 270 घंटे की क्लासेस गाइस, मार्च तक ये आपका सिलेबस पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। 9 मई को आपका पेपर है। यहाँ पे हमारे साथ तेजस सर जुड़ गए हैं, तेजस सर भी आपको यहाँ पे कुछ गाइड करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी कराई
जाएगी। तेजस सर। जी सर, सबको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, अड्डा 247 आपके लिए यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स लेकर आया है। और देखिए, जैसे जितिन सर ने बताया है कि यहाँ पर हम आपको क्या क्या 270 आवर की क्लासेस दे रहे हैं, 65 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर 9 मई को हो रहा है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे जुड़ना है, और एनालाइज के हिसाब से हमारे फैकल्टीज जो है वो एक्सपर्ट, जितिन सर है, चंदन सर है, और भी हमारे नदीम सर है, प्रवीण सर है, यहाँ पर कंप्लीट पैकेज मिल रहा है आपको। लेबर लॉ भी मिल रहा है आपको, अकाउंटेंसी मिल रहा है, जीएस मिल रहा है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, या जितने भी कंप्यूटर है, हमारा सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो एक तैयारी करने का एक ऐसा बेहतरीन तरीका आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अड्डा 247 अपने उन स्टूडेंट्स की ख्याल रखता है जो अपने घर से, ये तरीका कहा जाए, जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम फीस में बेहतर क्वालिटी के साथ, बेहतर क्वांटिटी के साथ आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं। तो गाइस, बिल्कुल वेट मत करिए, 25 नवंबर स्टार्ट होगा, ज्यादा कोर्स नहीं निकला है, आपका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। तो जिनका मिस भी हो गया है, उनको भी हम वीडियोस हम ऑफर दे रहे हैं कि आप नोट्स और वीडियो दोनों चीजें आपको यहां पर मिलेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको बारे में सर ने बताया। और देखिए, सब कुछ है, मैं फिर कह रहा हूं, सब कुछ है, चाहे कुछ भी उठा के देख लो, चाहे कहीं चले जाओ, इतना सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा। फ्रीडम स्ट्रगल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ मिल रहा है मात्र 400 रुपए में। अगर खुश हो, 400 रुपए के अंदर आप किताब लेने जाते हैं, अकाउंट्स की लेने जाएंगे या लेबर लॉ की लेने जाएंगे, तो उतने में ही आपका पैसा निकल जाएगा। यहाँ हम कंप्लीट पैकेज आपको दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, एक रुचिमा पांडे क्वेश्चन पूछ रही है। रुचिमा पांडे, ये जो लेक्चर होगा 270 घंटे की क्लास होगी आपकी, 270 आवर्स की क्लास होगी। 25 नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, अभी बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लास ही निकला है, बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लास निकला है सिर्फ। और आज से मेरा पहला लेक्चर जो स्टार्ट होगा शाम में, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री में आज पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ सिलेबस को डिस्क्राइब किया था कि क्या क्या सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। तो आज से ही मान के चले कि आज से ही आपका टॉपिक पूरा स्टार्ट होगा और 270 आवर्स की आपकी क्लास होगी। जबकि ये बैच की बात करें तो ये बैच आपको 9 मई को इसका पेपर होगा, जबकि हम मार्च के लास्ट तक हम ये बैच आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। जी तेजस सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। जी सर, मैं यही कहूंगा कि जैसे सर ने कहा कि सब कुछ आपको हम दे रहे हैं, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं। 12 से 2 शासनों स्त्री क्लासेस का शुरू हमने बढ़ाया गया है, ताकि आपको यहाँ पर अच्छी क्लासेस, क्वांटिटी क्लासेस और मिले। और अब हम चाहेंगे कि हम चंदन सर, जो चंदन सर हमारे अकाउंट्स के एक गुरु हैं, अकाउंट के गुरु हैं, और बच्चों को डाउट्स होता है कि सर अकाउंट्स के बारे में उन्हें नहीं पता होता है और उनका अकाउंट हमेशा गड़बड़ रहता है, कैसे संभाले अपने अकाउंट्स को, चंदन सर? बिल्कुल, आज स्टूडेंट्स एकदम बेफिक्र रहिए। मुझे पता है कि यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के स्टूडेंट्स फॉर्म भरे इसमें, और सबसे ज्यादा परेशानी आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स को ही होती है कि सर अकाउंट्स बहुत ही अलग सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते हैं, हम आर्ट्स साइंस से बिलोंग करते हैं। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़े हैं, लेकिन हम अकाउंट्स नहीं पढ़े अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको हम इस सब क्लासेस में अकाउंट्स को भी बहुत अच्छे से डिलीवर करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है कॉमर्स स्ट्रीम का हूं मैं। तो अकाउंटेंसी को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा, ताकि अकाउंट्स भी आपको अच्छे से समझ में आए चैप्टर वाइज, कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, जर्नल क्या है, लेजर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, सब बताऊंगा जो इस यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में है, ताकि आप अच्छा खासा एग्जाम में स्कोर कर पाए। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम लिमिटेड सीट बची है 500 में, मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट हमारा एक्वायर हो चुका है, अब थोड़ी सीट बची है, तो जल्द से जल्द आप इनरोल कराए और पूरे यूपीएससी के जर्नी को अच्छे से सफल बनाइए, हम पूरे टीम आपके साथ है। चंदन सर, मैं यहाँ पे रोकूंगा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट होगा या नहीं। आज श्रीजी नंदे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मॉक टेस्ट हम आपको क्लास में ही कराएंगे, मॉक टेस्ट होगा बिल्कुल क्लास में ही आपका मॉक टेस्ट होगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, अब बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा गाइस, ये बिल्कुल ध्यान रखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को फॉलो करते हुए ये बैच कंप्लीट कराया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेल स्टडी प्लान है हमारे पास, 270 घंटे की क्लास होगी। मैं तेजस से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चा इसे कैसे परचेज करेगा, आप अपने कोड के साथ एक बार जरूर बताएं। तेजस सर,
जी सर, यस सर ने कहा आप लोगों से, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अड्डा 247 साइट पर जाना है, मैं बीनिंग बताता हूँ और आपको क्या टाइप करना है। आपको टाइप करना है UPSEEPFO। तो जब आप EPFO देखेंगे तो आपके सामने खुलेगा स्क्रीन 4.0, यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने व्यू ऑफर का ऑप्शन आएगा, प्राइस आएंगे यहाँ पर। अभी मैं सारे कोड हटा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए दो कोड, अगर आप 70% कोड लगाते हैं तो आपको पड़ेगा ये 15589, लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं या फिर हमारा जितने सारे कोड लगाते हैं, तो अगर मेरा कोड लगे TK01, यानी कि TK01 कोड आपका रहेगा, जैसे ही इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको ये बैच आपको 1483 मतलब 1483.72 रुपए मिलेगा। गाइस ये पैसा मतलब ये जिंदगी की बात, देखिए जिंदगी में सब कुछ है जरूरी है, पैसा तो आता था रहेगा, लेकिन अगर आपकी जो सपना है वो पूरा हो गया तो उसके पीछे आप वो चीज हमेशा बरकरार रहेगी कि हाँ अड्डा 247 की बेहतरीन टीम से हम पढ़े हैं और यही हमारी टीम है, यही स्ट्रेंथ है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं और इसी बात को हम आगे चलते हैं। तो जितिन सर के पास मैं जाऊंगा कि लवली सिंह का क्वेश्चन है सर, यहाँ पर क्या सिलेबस स्टार्टिंग से सिलेबस कवर अप होगा? जी लवली सिंह जी, बिल्कुल आपको मिलेगा, यहाँ पर स्टार्टिंग से ही मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो मैं क्लियर कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे आपको, चिंता करने कोई बात नहीं है। डाउट है फैकल्टी से बात करिए, फैकल्टी हमारे तैयार है, फैकल्टी का कंसल्ट करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, जैसा वो आपकी हेल्प करेंगे, जिस माध्यम से चाहेंगे उस माध्यम से हेल्प करेंगे, हमारे हर एक फैकल्टी आपके यहाँ पे साथ है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है यहाँ पर। हाँ पारसनाथ, पारसनाथ का एक क्वेश्चन लेते हैं, पारसनाथ कह रहे हैं क्या ईपीएफओ का पेपर कब होगा? ईपीएफओ का पेपर 9th मई को है, 9th मई को ईपीएफओ का पेपर है। और यशिका अरोरा 25 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, 25 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लियर। बेसिक लेक्चर निकल चुका है, बेसिक लेक्चर हो चुका है और आज से फर्स्ट लेक्चर होगा। यशिका अरोरा आज से फर्स्ट लेक्चर होगा, तो आप आज ही बैच को ज्वाइन करें। अगर यहाँ पे डिस्काउंट के लिए ऑफर कोड में जाएं, अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं Y242 कोड यूज करते हैं तो आपको ये मात्र 1483, या तेजस सर का कोड यूज करते हैं, तेजस सर क्या है कोड आपका? TK01। TK01 अगर कोड यूज करते हैं, TK001 अगर आप कोड यूज करते हैं, तो इस कोड का यूज करके भी आपको 1483 का ही आपको मिलेगा गाइस। तो मेरा मानना है कि इस बैच को तुरंत ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके हमारे साथ लाइव पेड बैच में जुड़िए गाइस। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कनिष्ठ पराशर का, क्या फोन से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल फोन से पढ़ सकते हैं, मोबाइल से आप पढ़ सकते हैं, स्पीड आपके पास आ रही है तो आप आसानी से मोबाइल से पढ़ सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है आपकी। फीस मैं फिर बता रहा हूँ शंकर कुमार जी, फीस आपके सामने, कोड अप्लाई करना है भाई लोग, कोड अप्लाई करना है। अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा लगाइए या जितिन सर कोड लगाइए Y242। मैं दोबारा बता देता हूँ Y242 अगर आप कोड लगाते हैं तो अभी आपको उतने का ही पड़ेगा, चाहे मेरा लगाइए या जितिन सर का लगाइए, दोनों का कोड सिमिलर है तो 1483 का पड़ेगा, इससे बेहतरीन ऑफर आपको नहीं मिलेगा। सो जितिन सर ओवर टू यू, मैं चाहूंगा कि इसको जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे यशिका अरोरा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल दो तरह से मिलेगी, एक ई बुक के रूप में दिया जाएगा आपको और क्लास में जो फैकल्टी आपको कराएगी, क्लास में हैंड रिटन में आपको क्लास में लिखवाया भी जाएगा और साथ साथ में PDF भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आप एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैंने बिल्कुल सही जगह एडमिशन लिया है। जहां तक कंटेंट की क्वालिटी की बात करें तो यूपीएससी के कंटेंट को ही फॉलो किया जाता है, जो यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछती है उसी लेवल के कंटेंट भी हमारे द्वारा बीइंग ए फैकल्टी आपको क्लास में ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो गाइस इस बैच को जरूर परचेज करें, जरूर परचेज करें और आज से ही क्लास को ज्वाइन करें गाइस, क्योंकि 12 से 2 का लेक्चर तो चल रहा है, अब शाम वाला लेक्चर 7 से 9 में मैं खुद लूंगा, शाम को मेरी क्लास है 7 से 9 मॉडर्न हिस्ट्री में। तो गाइस आज ये बैच जरूर ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें गाइस। तेजस सर बस सर मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे कंटेंट और सिलेबस सबकी बात आ रही है तो मैं एक बार फिर चाहूंगा कि आपको बच्चों सिलेबस पे दिखा देता हूँ।
कि भाई आपको कोई डाउट ना हो, तो अगर आप सिलेबस देखेंगे, हमारा स्टडी प्लान देखिए, यहाँ पर स्टडी प्लान की थोड़ा मैं डिस्कस दिखाऊंगा कि स्टडी प्लान में सब कुछ एक ही चीज को एनालाइज कर दिया गया है, चाहे अकाउंट्स का मामला हो, चाहे वो हिस्ट्री का मामला हो, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, सोशल सिक्योरिटी का हो, हर एक चीज को बेहतर तरीके से एनालाइज किया गया है, एक एक टॉपिक बाई टॉपिक को। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई क्लास, जैसे आज तारीख है आपकी 7 दिसंबर, तो आज जितेंद्र से मिलेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में, यहाँ आपको क्लास मिलेगी 7 बजे, जितेंद्र सर आपको मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेंगे, और कोई डाउट्स होता है ऑन द स्पॉट आप पूछ सकते हैं। बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, बिगनिंग स्टार्ट करेंगे और आपके टॉप लेवल तक लेके चलेंगे, हर एक चीज को एनालाइज करते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो जितेंद्र सर, आज की रात, आज की शाम में बच्चे जुड़ना चाहते हैं आपसे, तो क्या क्या होगी आज की शाम? आज के शाम में जो लेक्चर होगा कंटेंट के अकॉर्डिंग, जो इसमें देखें 7 दिसंबर को जो लेक्चर लगा हुआ है, राइज ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, तो यहाँ पर बंगाल और अवध के बारे में पढ़ाऊंगा और मैसूर के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करूंगा गाइस। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें गाइस। और याशिका, जो क्लास आपकी छूट जाएगी उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, और ये मिलेगा, और इसकी वैलिडिटी जो है, जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी तब तक ये वीडियो आप तब तक देख सकती हैं। तो इसके लिए घबराएं नहीं, हर चीज आपको अवेलेबल यहाँ पे कराया जाएगा। जी हाँ, मैं यही कहूंगा और बिल्कुल वेट नहीं करूंगा। चंदन सर, लास्ट में आपके कमेंट लेना चाहूंगा और यहीं पे हम सेशन को एंड करना चाहेंगे। चंदन सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बस यही कहूंगा कि पूरे इंडिया में इतने कम कॉस्ट में 1400 से 1500 रुपए पे करके आपको इतने अच्छे से तैयारी कराई, कहीं नहीं कराई जाएगी, इतने अच्छे टीचर, इतना अच्छा कंटेंट, पूरे क्वालिटी के साथ आपको यूपीएससी की तैयारी कहीं नहीं कराई जाएगी। बहुत बेहतरीन बैच है ये, आप इसको ज्वाइन कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिटी हम टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं हमारी अंडर टू बड़ी सी। तो जरूर बैच आप ज्वाइन कीजिए और यूपीएससी की जर्नी को सफल बनाइए और सफल होकर निकलिए, यही हमारा अड्डा 247 का मकसद है। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू जितेंद्र सर, आप सबका थैंक यू, चंदन सर, बच्चों को आपने मोटिवेट किया, और देखिए सारी सब कुछ आपको मिला, वैलिडिटी भी मिल रही है, 9 मई को पेपर है, और जितेंद्र सर लगातार कमेंट से कमेंट्स कर रहे हैं, आपकी जो भी डाउट्स हो रहे हैं जितेंद्र सर बिल्कुल आपको बता रहे हैं, तो किसी तरह की घबराने कोई बात नहीं, अड्डा 247 की पूरी टीम आपके साथ है। तो मैं यही कहूंगा लास्ट में, थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लास्ट? बस सर, बस मैं इसी बच्चों को कहूंगा, बस गाइस आज क्लास लीजिए और हमारे साथ जुड़िए गाइस, क्योंकि अगर आज अगर जुड़ते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे हो जाएं, तो पीछे नहीं होना है, तो बैच को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए गाइस। तो चलिए, थैंक यू, आज तो इतना काफी है। ओके, थैंक यू सर।